शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से हम अपनी जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानते हैं। अपना पुराना प्यार पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये फोरेंसिक स्केच बनाते हैं। बता दो सोनिया, कैसा दिखता था वो? आंखें भूरी नहीं, काली काली आंखें, शायद बड़ी बड़ी आंखें थी। श्रद्धा, हम एक बात तो जरूर बताएंगे कि तुम्हारी सास ना आजकल हमें भरपेट पकौड़े नहीं खिला रही है। इससे अच्छा तो हम उन्हीं के साथ बाजार चले जाते और चाट में निपटा देते। कंजूस हो गई है तनु भाभी। श्रद्धा, हम कब से तुम्हारी सास की तारीफ किए जा रहे हैं और तुम हो कि कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हो। क्या हुआ, कहां कोई हुई हो? बुआ जी, मुझे ना शक हो रहा है। सोनिया ने जो अपने हादसे के बारे में हमें अपनी कहानी बताई थी ना, वो उसने खुद बनाकर सुनाई है। हमें ना पहले दिन ये बात खटकी थी। तुम्हें पता है, तुम खुद सोचकर हमें बताओ कि जिस लड़की के साथ ऐसा हादसा हुआ हो, क्या उसे ये तक याद नहीं है कि लड़के दो थे, तीन थे या चार थे? अरे बार बार ना ये लड़की कहानी बदल रही है, बता रहे है। क्योंकि सोनिया ने अभय और मुझे बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा था कि हादसे वाले जगह पर चार लोग थे जिन्होंने उसे अपनी गाड़ी में खींचने की कोशिश की थी। कॉलेज जाने वाली बात भी उसने बिल्कुल। सोनिया बेटा, जरा यहाँ आना बेटा। सोनिया बेटा, तुम सुबह तो बहुत ही डरी हुई थी, इसीलिए हमने तुमसे नहीं पूछा। लेकिन बेटा, जिन लड़कों ने तुम्हारा दुपट्टा खींचने की कोशिश की, क्या तुम्हें उनके बाइक का नंबर याद है? हमारा मतलब है, अगर तुम्हें कुछ याद हो उनके बारे में। बुआ जी, आप हमें बताइए कि कोई अगर हमारा दुपट्टा खींच रहा होगा तो हम वो बचाएंगे या बाइक का नंबर देखेंगे? वैसे भी हमारा तो बुरा हाल था तो, और आपको तो पता ही है कानपुर का कोहरा कैसा। कोई कोई बात नहीं बेटा, हम लोग तुम्हारी हालत बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, और वैसे तुमने ये तो बताया ही था कि उन लड़कों के पास लाल रंग की पुरानी वाली बाइक थी, तुमने यही बताया था ना, बाइक थी? हाँ, वो तो बता दिया था ना मैंने। बुआ जी, हमारी ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है तो हम थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम ना बहुत ही थकी हुई नजर आ रही हो, जाओ जाकर आराम करो। हाँ, जा। अब क्या एक एक करके सबके मन में सवाल पैदा करवाएगी ये श्रद्धा? मुझे लगता है सबसे पहले ना श्रद्धा का ही मुंह बंद करवाना पड़ेगा मुझे। श्रद्धा बेटा, जब जब तुम हमें ऐसे खाने पर न्योता देते हो ना, सच बता रहे, हमें बहुत ही अपना सा महसूस होता है। रितु, तुम तो ऐसे कह रही हो कि तुम्हें बुलाने के लिए हर बार हमें न्योता देना पड़ता है। ओहो भैया, आपने कुछ समझते ही नहीं है, हम बुआ है, कभी कभार ऐसा बोलना पड़ता है। अबे ये देखो, ये क्या है, क्या है इसमें? मैंने बोला था ना कि पुलिस में जाने का नतीजा बहुत गंदा होगा। उन गुंडों ने मुझे धमकी दी है। हमें पता है कि तुम पुलिस के पास गई थी और अब तुम्हें उस गलती की सजा जरूर मिलेगी। तुम देखो, अब जो काम हम उस दिन नहीं कर सके वो अब करेंगे, और अब तुम्हारा ऐसा हश्र होगा
जो तुम सोच भी नहीं सकती। सोनिया, तुम पुलिस के पास गई थी? अभय, मैं गई थी पुलिस के पास। उन्होंने ही अपने फॉरेंसिक स्केच वाले को यहाँ भेजा है ताकि सोनिया उसे उस चेहरे के बारे में बता सके और उसे पुलिस को उन गुंडों को पकड़ने में आसानी हो। और तुमने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? अभय, जब पुलिस हमारा साथ दे रही है तो फिर मैं बस। श्रद्धा, क्यों तुम्हें दूसरों की जिंदगी को संभालना होता है? पहले वरुण और कीर्ति की लाइफ में घुस गई, अब सोनिया को अकेले नहीं छोड़ रही हो तुम? अब बस, आज के बाद तुम कोई भी काम ऐसा नहीं करोगी और मुझसे बिना पूछे तो कुछ नहीं करोगी तुम। अरे हालत देखी है तुमने सोनिया की? और तुम ही कहती थी ना इतने बड़े हादसे के बाद संभलने में टाइम लगता है, फिर तुम ही ऐसा करने लग गई। मैं हूं सोनिया के साथ, सब संभाल लूंगा अकेला। चलो सोनिया। सुनो तो, कुछ भी करके आप सोनिया को उलझा के रखिए, उसे कमरे में मत आने दीजिए। पर क्यों? मैं भी आपको कुछ नहीं बता सकती, आके आपको सारी बातें समझाती हूँ। ठीक है, जाओ। आरती, जल्दी से सोनिया की नोटबुक निकालो। जी भाभी, उधर रखी होगी। भाभी, इससे हम उसकी लिखाई मैच कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। एक सेकंड। क्या? हाँ, क्या बोलो? हाँ, वो फाइल ना, हाँ अभी मेल करता हूँ। ओके, हाँ। सुनो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ऑफिस का कुछ काम है, मैं बस वापस आ रहा हूँ, 2 मिनट बस। सोनिया बेटा, कहाँ जा रही हो बेटा? बैठो, आराम से बैठो। ये लो, हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आए, थोड़ा सा पी लो, आराम से। हाय, हमारी नन्ही सी बिटिया रानी के साथ क्या कुछ नहीं हो गया। जब से वो धमकी भरी चिट्ठी आई है, क्या बताएं, हम इतने डर गए। वैसे वो चिट्ठी आई कब? कुछ देर पहले। अच्छा अच्छा, लेकिन वो चिट्ठी तुम्हारे पास कैसे आई? हमारा मतलब है, डाक से आई, कोई तुम्हें दे कर गया, या फिर चिट्ठी को पत्थर में लपेट कर कांच तोड़कर खिड़की से किसी ने फेंका? हाँ, वो खिड़की से फेंकी। बेटा बेटा, तुम्हारे तो हाथ पैर कांप रहे, शांत शांत हो जाओ। देखो कितनी कमजोर नजर आ रही हो, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। ये सब सुन के ना हमारी भूख तो वैसे ही मर चुकी है। कोई नहीं, चलो हम ना तुम्हें अपने हाथों से खिलाते। आ जाओ हमारे साथ, चलो चलो। नहीं नहीं बुआ जी, हमारा ना पेट थोड़ा खराब सा लग रहा है,
तो हम अपने कमरे में जाते हैं। अरे अरे कुछ तो करो, अरे रुको, अरे तो सब गड़बड़ हो गई, हम श्रद्धा को क्या जवाब देंगे? ये तो बिल्कुल एक जैसी लिखाई है, मतलब मेरा शक सही निकला। ये चिट्ठी सोनिया ने खुद लिखी है। ये पूरा का पूरा हादसा जो सोनिया में बता रही थी, ये एक बड़ा झूठ है। इतनी बड़ी प्लानिंग, श्रद्धा आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुमने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है? मुझे आप सबसे सोनिया के बारे में एक बहुत जरूरी बात करनी है। अब क्या है? सोनिया को वो जो धमकी भरा खत मिला था, वो सोनिया ने खुद लिखा था। सोनिया की नोटबुक और ये वो धमकी भरी चिट्ठी, ये दोनों की लिखावट बिल्कुल एक जैसी है। इसका मतलब यही है कि ये चिट्ठी सोनिया ने खुद लिखी है। आप लोग इसे खुद ही देख लीजिए। श्रद्धा, पता नहीं तुम क्या साबित करना चाहती हो, पर ये दोनों लिखावट एक दूसरे से एकदम अलग है। यकीन कीजिए, मैंने इन दोनों लिखावट को खुद अपनी आंखों से देखा है। दोनों बिल्कुल एक जैसी थी। सोनिया के पास कोई भी धमकी भरी चिट्ठी आई ही नहीं है, वो हमसे झूठ कह रही है। क्या हो रहा है पापा? सोनिया को ना उसने कहा कि एक धमकी भरी चिट्ठी आई थी, पर सच तो यह है कि वो चिट्ठी सोनिया ने खुद लिखी थी और भाभी ने उसका सच पकड़ भी लिया था, पर पता नहीं कैसे चिट्ठी बदल गई। पापा विश्वास कीजिए, भाभी सच बोल रही हैं। बेटा हो सकता है तुम्हें पहचानने में कुछ गलती होगी। नहीं पापा जी, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। सोनिया ने जो हमें चिट्ठी दिखाई थी
ये चिट्ठी उससे बिल्कुल अलग है। श्रद्धा, इस हादसे के बाद ना मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद तुमसे थी कि तुम मुझे समझोगी, इसीलिए शायद पुलिस के पास जाने से भी कतरा रही थी मैं, लेकिन तुम तो उल्टा ही मुझे यहाँ झूठा साबित करने में लगी हो। देखो जी, एक बात तो साफ है कि जब जब श्रद्धा ने कोई बात आगे रखी है वो बात सच साबित हुई है, और इस बार तो आरती भी उसका साथ दे रही है, तो हमारे हिसाब से तो दो लोग झूठ नहीं बोल सकते। और हमें तो एक बात ये नहीं समझ में आ रही सोनिया की, कि इसे कुछ याद क्यों नहीं है। ये कभी बोलती है दो लोग थे, कभी बोलती है तीन थे, कभी बोल रही है चार थे। अरे जिनकी शक्लें, जिनकी भयानक शक्लें रात दिन इसकी नजरों के सामने है, इनका चेहरा भी ये नहीं जानती। अरे इसे तो ये भी नहीं पता कि उनकी आंखें छोटी थी बड़ी थी, नाक कैसी थी छोटी थी बड़ी थी, बार बार ये बदले जा रही है। याद नहीं है ना तुम्हें? हाँ, अब क्यों चुप हो, क्यों नहीं बता रही? अभय, सोनिया ने हमसे खुद कहा था कि उस हादसे वाले जगह पर चार गुंडे थे जो उसे गाड़ी की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज बुआ जी के सामने उसने ये कहा कि वहां दो गुंडे थे जो उसका दुपट्टा खींचकर उसे जबरदस्ती बाइक की तरफ खींच रहे थे। अबे, जब तुम घर पे नहीं होते हो ना तो ये सब लोग मुझसे सवाल पूछते रहते हैं, जैसे अभी पूछ रहे। मैं कैसे अपना डर समझाऊं इन्हें, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं कैसे बताऊं सब कुछ इनको? डर के कारण सच नहीं बता पा रही हो, या फिर तुमने जो हमसे इतना बड़ा झूठ कहा है उसे छुपाने के लिए जो इतने झूठ बोलते जा रही हो उसका हिसाब नहीं दे पा रही? बस करो श्रद्धा, झूठ बोलने की क्या जरूरत है यार? अभी तुम कीर्ति को नहीं जानती, वो एक्चुअली क्या है कि उसे हमारे साथ में काम करने से प्रॉब्लम। उसमें कौन सी बड़ी बात है, शायद उसे ऐसा लगता होगा कि क्योंकि हम बचपन के दोस्त थे तो काम ठीक से नहीं हो पाएगा। रहने दे यार, तुम ही समझेगी। वरुण, कोई बात है क्या जो तुम्हें परेशान कर रही है, बताओ। अग्नि, वो एक्चुअली कीर्ति को हमारी दोस्ती पे शक है। कीर्ति को हमारी दोस्ती पे शक है? मतलब मैं और तुम? बात बताओ वरुण, तुम अपने आप को फिल्मों का हीरो समझते हो क्या? तुमने भी शक्ल देखी है? बड़े आए। मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और तुझे मजाक सोच रहा है? अच्छा ठीक है, लेकिन अगर तुम बार बार उससे झूठ कहोगे तो उसे और भी ज्यादा बुरा लगेगा। कल हम दोनों मिलके कीर्ति के इस शक को पूरी तरह से खत्म करेंगे, ठीक है? अच्छा, जो अपने पति की बात नहीं सुनती वो तेरी बात बड़ी मानने वाली। वरुण, मैं अवनी हूँ, मैं किसी को भी अपना दोस्त बना लेती हूँ, तुम टेंशन मत लो। अरे मैं सब संभाल लूंगी। तुम्हें इस बेचारी का डर नहीं दिख रहा है? हाँ, देख नहीं पा रही हो तुम अपना कल भूल गई? अरे तुम्हें तो उसका सबसे ज्यादा साथ देना चाहिए, क्योंकि उसकी तकलीफ तुमसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता है। और अगर डर के मारे वो अगर नहीं कुछ बता पा रही तो इसमें इतना बड़ा बवाल करने की क्या जरूरत है? भैया, भाभी गलत नहीं बोल रही है, और अगर ऐसी बात है तो उसे सोनिया को इतनी जल्दी कॉलेज जाने की? आरती, तुम सोनिया के मामले में कुछ नहीं बोलोगी। अभय, इसकी घबराहट को मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप खुद ही बताइए मुझे, ऐसे हादसे के बाद क्या एक आम इंसान
उन गुंडों का चेहरा भूल जाएगा। किसी के सामने कुछ बताने से क्यों हिचकिचाएगा? चलिए मान लेते हैं इस बात को कि वहां चार गुंडे नहीं, वहां सिर्फ दो गुंडे थे, लेकिन वो कैसे दिखते थे, उनका हुलिया क्या था, कुछ तो याद होगा ना। श्रद्धा, तुम क्यों बार बार मुझे वो भयानक चेहरे याद करने पे मजबूर कर रही हो? मैं वो दिन भूलना चाहती हूँ, लेकिन तुम होगी। बस करो सोनिया, ये भूलने भुलाने का नाटक तुम कब तक करती रहोगी? मान क्यों नहीं लेती इस बात को कि तुमने हमसे एक झूठ कहा था और अब हम सबके सामने तुम्हारा वो झूठ आ चुका है। तुम्हारे साथ ऐसा कोई हादसा हुआ ही नहीं था। बस भी करो श्रद्धा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? बिना किसी सबूत के इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही हो बस। अभय, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना, अपने होश में कह रही हूँ, अपने शक को साबित करने के लिए। मैंने सिर्फ एक झूठ बोला था कि उस हादसे वाले जगह पर एक दुकान है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है और मैं उसका फुटेज लेने जाऊंगी और कहीं इसका झूठ पकड़ा ना जाए, इसलिए वहां बुरके में मुझे सोनिया दिखी। आप ही ने कहा ना कि इस हादसे के बारे में मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, तो मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ये झूठ सिर्फ खुद को गलत साबित करने के लिए, अपने शक को गलत साबित करने के लिए कहा, लेकिन वहां उस जगह पर मुझे सोनिया दिखी ताकि वो इस सबूत को मिटा सके। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।